केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 1 मई को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री रामलला की विधिवत तौर पर पूजा अर्चना की। कुछ पल के लिए वे एक टक प्रभु को निहारते दिखे। लग रहा था अपनी सारी मुश्किलें आंखों ही आंखों में भगवान के सामने रख रहे हों। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अपने काबिलियत के आधार पर वो भी यहां पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्यास के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चादर चढ़ा लें आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अयोध्या दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपने इस प्रवास में हनुमानगढ़ी मंदिर राम मंदिर में दर्शन करेंगी।